हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट की शेल लाइफ कैसे बढ़ाते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं यहाँ शेयर करूँगी। सबसे पहले मैं टिप शेयर करना चाहूँगी फ्रेंड्स कि हम गार्लिक को किस तरह से अच्छे से पील ऑफ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसलिए इसको हमने कुछ सिंपल करने की कोशिश करी है। हमने गार्लिक को जो है 5 मिनट के लिए बॉयल करा है, बॉयल करने के लिए हमने रख दिया है। साथ ही में मैंने यहाँ पर जिंजर क्लीन करी है। जिंजर अच्छे से जब क्लीन हो जाएगी तो आपको यहाँ पर स्पून की हेल्प से आप इसको अच्छे से पील ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में, मैंने इसको स्पून की हेल्प से बहुत आसानी से, बहुत ईजली इसको अच्छे से पील ऑफ करने की कोशिश करी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि हम अपनी जिंजर जो है कितने अच्छे से, कितने आसानी से इससे पील ऑफ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये रिज़ल्ट है। अब जो हमने गार्लिक 5 मिनट के लिए बॉईल करा था उसका देखिए कितनी आसानी से वो पील ऑफ हो रहा है। जिंजर बहुत हार्ड होता है, इसलिए हम उसको पीसेस में कट कर लेंगे। और फ्रेंड्स, कुछ लोग इसको पूरा ऑयल यूज़ करके इसका पेस्ट बनाते हैं। अगर आप ऑयल यूज़ करके इसका पेस्ट बनाएंगे तो अराउंड ये 2 to 3 months आराम से चल जाएगा जी फ्रेंड्स। और इसमें कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग स्मेल नहीं आएगी जिससे आपको ये बुरा लगे। और यहाँ मैंने गार्लिक को थोड़ा ऑयल, थोड़ा वाटर से मैंने इसको पेस्ट बनाने की इसकी कोशिश करी है। साथ ही में मैं इसमें जो है ऑयल के साथ आप नमक भी ऐड कर सकते हैं। इसमें मैंने यहाँ पर हाफ लेमन जो है स्क्वीज़ करा है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स कि इसका डिसकलरेशन नहीं होता है। जैसे कि आपने आज ऐसा आपको हमेशा लगेगा, जैसे 1 or 2 months बाद भी आप इसको देखेंगे तो आपको इसका कलर सेम ही मिलेगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोज़। बाय, टेक केयर।